इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन पालम गांव दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन जंगपुरा भोगल दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन भोगल आश्रम दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन रोहिणी दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन पहाड़गंज दिल्ली। महानुभाव, वर्तमान में समय बदलता जा रहा है, व्यवस्थाएं बदलती जा रही हैं, भावनाएं बदलती जा रही हैं, हर चीज परिवर्तित हो रही है, लेकिन दुनिया में यदि आज तक कहीं भी परिवर्तन नहीं हुआ तो धर्म कार्य में परिवर्तित नहीं हुआ। पहले भी चोट लगती थी तो लोगों के मुंह से निकलता था हे भगवान बचाइए, और आज भी चोट लगती है तो निकलता है हे भगवान मुझे बचाइए। पहले जब भी इंसान को रास्ते में पत्थर लगता था तो मुंह से निकलता था हे भगवान मुझे बचा लो, और आज कोई बीमारी भी आती है तो क्या कहते हैं हे भगवान मुझे बचा लो। लेकिन व्यवस्थाएं बदली, क्यों बदली? पहले के जमाने में लोग यंत्र के पास जाते थे, यंत्र की पूजा करते थे और उनके कार्य पूरे हो जाते थे। फिर जमाना बदला, लोग मंत्र जाप करते थे, मंत्र करते थे और उनके कार्य पूरे हो जाते हैं। लेकिन आज के समय में ना इंसान यंत्र की पूजा कर रहा है, ना इंसान मंत्र की आराधना कर रहा है, बल्कि इंसान षड्यंत्र के रूप में अपना कार्य प्रारंभ कर रहा है। यंत्र को साइड में कर दिया, मंत्र को साइड में कर दिया, इंसान ने षड्यंत्र चालू कर दिया है, और उस षड्यंत्र से क्या हो रहा है, इंसान सारे काम सिद्ध करना चाह रहा है जो कभी नहीं हो सकते। यंत्र से काम देर से होंगे, मंत्र से काम देर से होंगे, तंत्र से काम देर से होंगे, लेकिन षड्यंत्र से काम जल्दी हो सकते हैं लेकिन जीवन भर नहीं रहेंगे। षड्यंत्र किसके साथ, षड्यंत्र क्यों? आज सारी की सारी दुनिया षड्यंत्र में चल रही है, सारे के सारे लोग एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचने में लगे हुए, सारे के सारे लोग एक दूसरे की व्यवस्थाएं बनाने बिगाड़ने में लगे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिंदगी में एक बात का ध्यान रखिए, कोई किसी व्यक्ति का बुरा नहीं कर सकता जब तक उसके कर्म खराब ना हो, और कोई किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं दे सकता जब तक उसके कर्म अच्छे ना हो। जब तक आपके कर्म अच्छे हैं, जब तक आपके साथ में सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, और जिस दिन आपके बुरे कर्म प्रारंभ होंगे उस दिन अच्छे लोग गायब हो जाएंगे और बुराइयां जीवन में प्रादुर्भाव कर लेंगी, बुराइयों का जीवन में आगमन हो जाएगा। आज संसार में निश्चित रूप से पाप बढ़ रहा है, मायाचारी छल बढ़ रहा है, लेकिन ध्यान रखना, चाहे पापी हो, चाहे चोर हो, चाहे नास्तिक हो, इन सबको जब संकट आता है तो चोर भी है तो सबसे पहले भगवान के चरणों में पहुंचता है, पापी भी जाता है तो परमात्मा के पास पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? कि पापी को भी पता है कि परमात्मा बनना है, पाप का श्रवण करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है परमात्मा के चरणों में पहुंचना पड़ेगा। तो संसार की जो व्यवस्था चल रही है, संसार की जो क्रियाएं चल रही हैं, उसमें लोग तरह तरह से आनंदित हो रहे हैं। अरे विचार करिए, आप जब सर्कस देखते हो, आप बंदर मदारी का खेल देखते हो, एक बंदर को लोग बांधे हुए हैं, चिड़ियाघर में जाओ वहां पर जानवरों को कैद किया हुआ है, आप उनको देखकर आनंद ले रहे हो, उनको देखकर आप खुश हो रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो, कभी क्या आपके हृदय से, आपके अंतरंग से यह पीड़ा निकली कि यदि मेरे बच्चे के साथ में कोई ऐसा कर रहा होता तो मुझे कैसा लगता? जिस दिन आपके मन में यह विचार आ जाए, समझ के चलना कि आपके अंदर आज भी मानवता विद्यमान है, आज भी आपके अंदर मानवता के गुण है, आज भी आप संस्कारित हो। लेकिन आज वर्तमान में हर व्यक्ति यह नहीं देख रहा इससे नुकसान कितना है और फायदा कितना है, वह तो षड्यंत्र बुनने में लगा हुआ है, षड्यंत्र करने में लगा हुआ है। सवाल यह है, क्वेश्चन यह है कि षड्यंत्रकारी को मिलता क्या है, विनाश करने वाले को मिलता क्या है? देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूं,
कि आप किसी को दे सकते हो तो दो शब्द प्रेम के बोलिए। पैसे का आनंद चार दिन का है, धन वैभव का आनंद कुछ समय का है, लेकिन प्रेम का जो आनंद है वह जिंदगी भर क्या अगले जन्म जन्मों का होता है। प्रेम से बोलिए ना। मैं हमेशा कहता हूं कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है, कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है। दो शब्द प्रेम के बोलो, दो शब्द प्रेम के बोलो, आपकी जेब से क्या जाता है। प्रेम के शब्द बोलने से आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा, बल्कि लोग आपको प्रेम पूर्वक बात करने वाला समझेंगे। आज आप ग्रस्त हैं, आप भी परमात्मा के पास जाकर उस व्यक्ति के पास, उस संत के पास जाना चाहते हो जो आपसे ढंग से बात करते हैं। संत लोग भी हैं। आज मुझसे कोई पूछे, एक बार एक संग बैठा था, चर्चा चल रही थी, 50-60 संत थे, ठाणे थे, समुदाय था। उन्होंने 50-60 लोग थे, उन्होंने गुरु से पूछा कि गुरु जी इतने सारे शिष्य हैं, इतने सारे शिष्य हैं, इनमें कुछ लोग आपको समस्या भी देते होंगे, कुछ लोग तकलीफ भी देते होंगे, कुछ लोग परेशानी भी देते होंगे, तो उस समय आप क्या सोचते हो? प्रश्न बड़ा मार्मिक है। आपसे कोई पूछे कि आपके 4-5 बच्चे हैं, कोई बच्चा प्रेम करता है, कोई बच्चा उल्टा सीधा काम करता है, कुछ तकलीफ देता है, तो आप क्या बोलोगे? आप पड़ोसी के सामने ये तो नहीं बोलोगे ना कि भाई मेरे बच्चा तकलीफ करता है। आप बोले कोई बात नहीं, सब अच्छा है। संत बोले कोई बात नहीं, सब अच्छा है। अगले दिन फिर वह व्यक्ति संत के पास फिर आया। कई लोग के दिमाग में उल्टा जब खोपड़ी चलती है ना, जब चलती रहती है, वह अगले दिन आके चुपचाप बैठ गया। बोले क्या हुआ? बोले जी मैं तो बैठ के देख रहा हूं कि कौन कौन क्या करता है। तो एक साधु साध्वी पहुंचे, वो कुछ कुछ हल्ला गुल्ला कर रहे थे। उन्होंने कहा, संत जी से कहा कि आपको बुरा नहीं लगता है? संत कुछ नहीं बोले। अगले दिन फिर बैठ आया, वो लगातार 7-8 दिन तक आया। उस व्यक्ति ने 7-8 दिन में देख लिया कि कौन सा व्यक्ति क्या करता है। संत कुछ नहीं बोले। अगले दिन 7-8 दिन बाद संत उसने आते आते देख लिया, उसने बता दिया 50 में से 20 आदमी इस तरह के हैं, 20 इस तरह के हैं। अरे हम लोग तो मंदिर के अंदर हैं, लेकिन आप तो मंदिर के, आप मंदिर के बाहर पूरी दुनिया घूम रहे हो, बोलता नहीं लेकिन समझता तो आदमी सारी बातें हैं कि कौन प्रेम से बोलता है, कौन वार्तालाप कर रहा है। तो उसके बाद उन्होंने संत से कहा कि अब आप नहीं बताओगे, मैं बता दूंगा आपकी व्यवस्था क्या है। बोले मुझे कुछ नहीं सुना, मेरी व्यवस्था मुझे पालूंगा। जब उन्होंने बात बताई तो संत को जो बात बताई तो संत कुछ नहीं बोले। उनके जाने के बाद जो संत के पास व्यक्ति बोला, बोले महाराज इतना बात होगी तो आप कुछ बोले क्यों नहीं? उन्होंने एक ही जवाब दिया, जिस व्यक्ति को मैं जवाब नहीं देता हूं उसको परमात्मा जवाब देता है, जिस व्यक्ति को मैं जवाब नहीं देता हूं उस व्यक्ति को परमात्मा जवाब देता है, और परमात्मा ऐसे लोगों से लोगों को दूर ही कर लेता है। ध्यान रखिएगा, आप संत बन जाओ, आप ग्रस्त बन जाओ, आप पुजारी बन जाओ, जब तक आपके अंतर के संस्कार, आपके अंतरंग के परिणाम नहीं सुधरेंगे, जब तक आपका जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। चाहे आप तीर्थंकर के समोषण में भी पहुंच जाओ, समोषण से बाहर आ जाओगे, अंदर पहुंच नहीं सकते। समोषण पहुंचना अलग चीज है, लेकिन समोषण, क्योंकि जब आपके अंदर विषय वासना राग द्वेष काम क्रोध चल रहा है, तो आपके जीवन में अंतर क्या है? मात्र पुजारी की धोती पहनने से कोई काम नहीं होगा, मात्र पूजन की थाल लेके द्रव्य चढ़ाने से कोई काम नहीं होगा, मात्र संत का चोला ओढ़ने से कोई काम नहीं होगा, बल्कि ये तो होगा कि जब तक अंतरंग परिणाम न। देखिए दूसरी बात और बताऊं आपको, जब भोजन में रसगुल्ला है, मिठाई है, मालपुआ है, और उस समय आप कहो कि महाराज जी मैंने तो आज पूड़ी नहीं खाई। भाई क्यों नहीं खाई? रसगुल्ला खा लेगा, हलवा खा लेगा, मालपुआ खा लेगा, पूड़ी कौन खाता है? तो वो कोई त्याग नहीं है। मजा तो जब है जब पूड़ी बस सामने है और रोटी सब्जी खा के आ जाओ, बोले आज मैंने पूरी का त्याग किया, तो मालूम चलेगा कि इसने कुछ त्याग किया। वैसे तो सारी दुनिया शांत है, वैसे तो आपने देखा होगा, मैं मंदिर में देखता हूं, मंदिर में प्रातःकाल 6 बजे कोई व्यक्ति जब पूजा करता है ना, तो कैसी आवाज आती है उसकी, बात आवाज आती है, आदिनाथ जी के चरण कमल में बलि बलि जाऊं। 6 बजे 7:30 बजे उसी व्यक्ति की आवाज होती है, सुचि निर्मल नीरम, थोड़ी तेज। और जब 9 बजे महाराज जी का प्रवचन चलता है तो उसकी आवाज चलती है, सुचि निर्मल नीरम गंधे सुक्षर, ऐसे चल रहा है। तो महाराज पूछते हैं, भाई 6 बजे कम, 6 बजे उसकी आवाज हो रही है ट्रांजिस्टर जैसी, ट्रांजिस्टर होता था ना पहले रेडियो, 6 बजे उसकी आवाज हो रही है ट्रांजिस्टर जैसी, 7:30 बजे हो रही है सीडी प्लेयर जैसी, और 9:30 बजे हो रहा डीजी जैसी।
एक व्यक्ति ने महाराज से पूछ लिया, बोले महाराज ये क्या कारण है? महाराज कुछ नहीं बोले। और जब महाराज कुछ ना बोले मतलब समझ लो बहुत कुछ बोलना चाह रहे लेकिन बोलना नहीं चाहते। बोले क्या बात है? तो उन्होंने कहा भाई 6 बजे मंदिर में 4 आदमी होते हैं तो उनको क्या तेज तेज सुना के चिल्लाएगा, 7:30 बजे 20-25 हो जाते हैं, और जब मेरा प्रवचन होता है तो 100-200 आ जाते हैं। जब यहां पे आप लोग बैठे हो कोई आदमी जोर से बोले बचाओ तो सारे उसको पीछे देखेंगे, और 6 बजे बोलेगा बचाओ तो 2-3 देखेंगे, 7:30 बजे 20-25 देखेंगे। तो भाई यही मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि इस तरह से क्या होगा कि जब आपको मौका मिले, जब आपको शांत रहना है वहां शांत रहो तो आपके कर्म सुधरेंगे, और जहां पर आपको शांत रहना है वहां पे आप चिल्लाओगे चीखोगे गाली गलौज करोगे तो कर्म बिगड़ेंगे। पिछले कर्म को अभी भोग रहे हो, शुभ कर्मों को लाइए, शुभ कर्मों को जीवन में स्थान दीजिए। अरे कौन क्या करता है, जब कोई तकलीफ आती है त्रियंचो को देख लो, मालूम चलेगा कि बेचारा भोजन के लिए गंदा पानी पीने आ रहा है तो लोग उसको घर से भगा रहे, तुम्हें तो स्वच्छ पानी दे रहा है आदमी, अच्छा अच्छा भोजन दे रहा है, अच्छे अच्छे वस्त्र दे रहा है, माता पिता कितनी अच्छी तालीम दे रहे हैं, अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं, उसके बाद समस्याएं पैदा कर रहे हो किसके लिए? और एक बात और ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति कुछ भी कार्य कर जाए, अच्छा कार्य करेगा, माता पिता का गुरुजन का समाज का नाम होता है, लेकिन अच्छा लोग उस व्यक्ति को ही कहते हैं। और वह बुरा कार्य कर जाए तो माता पिता गुरुजन को समाज को लोग कहेंगे, लेकिन बुरा भी उसको ही होगा, बुरा उसका ही होगा। तो जीवन में अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना है, सुंदर बनाना है, तो आपको अपने जीवन में जो आपके जीवन बेरंग हो रहे हैं उनको आपको रंगीन बनने का प्रयास करना है, जीवन में रंग भरने का प्रयास करना है। आज हर व्यक्ति बरसात के मौसम में, बरसात होती है लेकिन बरसात के मौसम में इंसान यदि वहां पर इंद्रध्वज निकल जाए तो बड़ा प्रसन्न होता है। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेम्बो, रेम्बो कहते हैं कि जब इंद्रधनुष निकलता है तो इंसान खुश हो जाता है, फोटो खिंचाने के लिए वीडियो बनाने के लिए तत्पर हो जाता है। और इंद्रधनुष रोज नहीं निकलता, इंद्रधनुष रोज नहीं निकलता, कभी कभार इंद्रधनुष निकलता है। उसी प्रकार से जीवन में रोज रोज रंग भरने का अवसर नहीं आता, जीवन में रंग भरने का अवसर भी कभी कभी मिलता है, और उस रंग भरते हुए जीवन को आपने सही कर लिया तो समझ के चलना कि आपकी तस्वीर सुंदर हो जाएगी। तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है, इंसान तकदीर में कितना मुस्कुरा रहा है यह बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरों को दिखाने के लिए तो हर कोई अपने दांत निकाल के दिखा देता है, नकली भी है तो उसको भी असली बना के दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन असली में इंसान के दांत कितने मजबूत हो रहे हैं यह महत्वपूर्ण बात है। दूसरों को दिखाने के लिए तो हम तरह तरह की शाबाशी ले रहे हैं, लेकिन शाबाशी जैसा काम हमने कितने बार किया है यह महत्वपूर्ण है। जब आप अध्यात्म में जाओगे, जब आप अंतरंग में पहुंचोगे तो आपको प्राप्त होगा कि कबहू ना हम निज घर आए, दुनिया में सब जगह घूम लिए लेकिन निज घर हम कभी नहीं पहुंचे। तो अपने अंतरंग में आने का प्रयास करें। जो व्यक्ति जितना जितना अपने अंतरंग में आता जाता है उतना उतना उसके मन की कसाएं समाप्त हो जाती हैं, उसके मन के विकार समाप्त हो जाते हैं, उसके मन के दुर्भाव समाप्त हो जाते हैं, उनके मन के अंदर के सारे की सारे विषय राग समाप्त हो जाते हैं। और जब तक बहिरंग में है, अरे आप मुनियों की उदाहरण सुनिए, जलती हुई सिगड़ी रख दी गई, सियालनी खा रही है, उसके बाद भी वे अपने तप कर रहे हैं। ठीक है हम भी ओसे नहीं बन सकते, आप तो छोड़िए, लेकिन कम से कम हम उनके भक्त हैं, उनके आराधक हैं, उनकी सेवा पूजा करने वाले हैं, तो कम से कम हम जब समस्या आए तो एक बार चिंतन तो करें, एक बार मनन तो करें, एक बार विचार तो करें, एक बार व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास तो करें कि उनके साथ में क्या क्या नहीं घटा और हमारे साथ में तो कुछ भी नहीं घट रहा है, लेकिन जबरदस्ती हम परेशान हो रहे हैं। और देखना समझना कि इंसान बार 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 जो कार्य करता है एक ना एक दिन उसके जीवन में वह कार्य हो ही जाता है। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज हमेशा एक बात हम लोग को बताया करते थे कि अपने मुंह से कभी भी अपशब्द मत निकालिए। 24 घंटे में इंसान एक बार सत्य बोल देता है, ऐसा कहावत है, सुनते हैं जानते हैं कि 24 घंटे में इंसान के मुंह से जो वाणी निकलती है वो एक बार सत्य जरूर होती है। इसलिए पता नहीं कौन सी बात आप बोल रहे हो और वह सत्य हो जाए। कौन सी बात आप बोले, आप बोलोगे अच्छा हो अच्छा हो अच्छा हो तो जो सत्य होने वाला तो अच्छा हो जाएगा, और आप बोलोगे नहीं बुरा हो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया
तो बुरा हो जाएगा। इसलिए हमेशा हित पित प्रिय वचन बोलिए, अच्छे बातों को बोलिए, मधुर वाणी को सुनिए, मधुर वाणी को देखिए। आप मुझे बताइए, आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं, कभी प्लेन में सफर कर रहे हैं, और आपकी सीट पर एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है जो मुंह सिकोड़कर बैठा हुआ है, अजूल फजूल दिख रहा है, तो आपके मन में क्या भाव आते हैं? आप टीटी से जो व्यवस्थापक होता है, एयर होस्ट होते हैं, उनसे कहते हैं, भाई साहब मेरी सीट चेंज हो सकती है क्या? उसने आपसे कुछ कहा नहीं है, उसको आपको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप उसके पास में बैठना ही पसंद नहीं करते जो मुंह तिला करके बैठा है, उल्टे सीधे पीछे कर रहा है। क्यों? चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज का 35वां दीक्षा दिवस। परम पूज्य बाल योगी गुरुदेव आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज का 7वां आचार्य पदारोहण दिवस और 40वां अवतरण दिवस एवं बाल ब्रह्मचारिणी देशना दीदी की आर्यका दीक्षा महोत्सव आगामी 6 नवंबर 2021 को प्रातः 11:11 पर अहिंसा स्थल मेहरोली दिल्ली में विविध कार्यक्रमों के साथ संपन्न होगा। इसके साथ ही 5 नवंबर को आप आनंद ले सकते हैं भजन संध्या का, जिसे सजाएंगे सुरों के सम्राट रुपेश जैन जी। आप सभी पधारकर धर्म लाभ लें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली,